नमस्कार, कांगुनी फैशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले फोर टक्स। अब वो उसके लिए मेजरमेंट जो लगेंगे वो हमारे कुछ इस तरह से होंगे। हमारी जो लंबाई होगी 13.5 इंच की होगी। उसके बाद में चेस्ट का मेजरमेंट होगा हमारा 32 का, कमर का मेजरमेंट होगा 26 इंच, बाही लंबाई जो होगी हमारी 4 इंच की होगी। उसके बाद में हमारा दंड घेर जो होगा वो 11 इंच का होगा। उसके बाद में फ्रंट नेक होगा हमारा 7 इंच का, बैक नेक होगा 10 इंच का। उसके बाद में डॉट लंबाई होगी हमारी 9.5 इंच की, और आर्म राउंड जो हमें बाही के लिए लगता है वो होगा 15 इंच का। तो हमें सबसे पहले डालना है लंबाई। ये तीन मेजरमेंट हम लेंगे पीछे के भाग के लिए और ये बैग नेक। उसके बाद में हम फ्रंट डालेंगे। अभी हमें लेना है लंबाई। लंबाई हम 13 इंच की लेंगे। तो 13 इंच हमारी लंबाई होगी, तो हमें आधा इंच नीचे के साइड में लगेगा जो हमारी सिलाई मार्जिंग होगी। हमने इसकी मार्किंग करके लिए है। उसके बाद में 13 इंच, 13.5 इंच के ऊपर हमने मेजरमेंट डाला हुआ है, ये 13.5 इंच। उसके बाद में हमने फिर से आधा इंच लिया है सिलाई के लिए। ये हमारे शोल्डर की तरफ का भाग होगा और ये हमारा कमर की तरफ का भाग होगा। हमें शोल्डर के पास से हमें डालना है, यहां से सिलाई मार्जिंग छोड़ते हुए हमें डालना है 5 इंच। यहाँ पे हम 5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हमने ये जो लिया है हमारा पूरा 5.5 होगा सिलाई के साथ में। तो उसी तरह से हम 5.5 इंच शोल्डर के लिए लेंगे। ये हमारा शोल्डर होगा। उसके बाद में हम नीचे के साइड में भी 5.5 इंच लेंगे। हमारी ये आएगी चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट हमारा 32 इंच का है। तो हम क्या करेंगे, 32 का चौथा भाग करेंगे तो ये आता है 8 इंच। लेकिन हमें इसके अंदर अंग के ऊपर मेजरमेंट होने के कारण 1.25 इंच लूजिंग डालेंगे, तो पूरे चेस्ट में हमारा 3 इंच की लूजिंग बन जाती है। हमें अभी 8 और 1.25 इंच यानी 1.25 के ऊपर मेजरमेंट डालना है। तो ये हमने 1.95 के ऊपर मेजरमेंट डाला है। उसके बाद में हमारी सिलाई मार्जिंग रहेगी जो हमें कम ज्यादा करने के लिए लगेगी। वो हम 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये हमने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिंग ली है। उसके बाद में हमें कमर का मेजरमेंट डालना है। कमर का मेजरमेंट जो होगा हमारा 26 इंच है, तो हम 26 का करेंगे चौथा भाग, तो 6.5 इंच आएगा। लेकिन हमें इसके अंदर 1 इंच ऐड करना है। ये 1 इंच होगा हमारा कमर का जो टक्स होता है उसका, तो हम 7.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम उसी तरह से जहां पे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिंग ली थी उसी तरह से हम कमर को भी मेजरमेंट लेंगे। देखिए हमारा मेजरमेंट खाली चेस्ट ज्यादा है, कमर कम है, भाग तो उसी तरह से हो चुके हैं दोनों भी। ये हमारे 26 कमर है। तो अभी हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन मिला देना है। ये हम पहली लाइन मिलाएंगे यहाँ पे और ये दूसरी लाइन। अभी हमें यहाँ पे आर्म राउंड हो जाता है हमारा यहां से यहां तक। देखिए हमारा आर्म राउंड जो है तो वो है 15 इंच का। तो हमें 15 का आधा अगर आप करते हो तो 7.5 इंच होता है। तो हमें क्या करना है, यहां से 7.5 गिनते हुए, देखिए हमें ये मार्जिंग छोड़ दिया हमने, यहां से 7.5 हम गिनेंगे। देखिए इस तरह से राउंड करते हुए हम, ये देखिए ये 7.5 आ रहा है। देखिए यहां पे आ रहा है, ये 7.5 होगा हमारा, और आधा इंच जो होगा, पूरा 8 आया हुआ है तो आधा इंच होगा वो हमारी सिलाई होगी, और रेडी मेजरमेंट होगा हमारा 7.5 इंच का। तो इस तरह से हमारी बैक साइड हो चुकी है। अभी हमें गले के लिए यहाँ पे 2.5 इंच के मार्किंग करना है, और उसके बाद में गले की जो ऊंचाई होगी हमारी बैग नेक वो होगी 10 इंच की। तो हम 10 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। हम इसके डिजाइन करने वाले, इसके लिए सिर्फ हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब हमें पीछे का यानी बैक साइड का जो टक्स लेते हैं उसकी मार्किंग करेंगे। देखिए हमें 1.5 इंच छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ये हम 7.5 का सेंटर करेंगे। 7.5 का सेंटर जो आएगा हमारा 4.25 इंच आता है। उसके बाद में हम दोनों साइड में आधा आधा इंच की सिलाई मार्जिंग लेंगे, और उसके बाद में जो ऊंचाई होगी वो हम 4.5 इंच के ऊपर ले लेंगे। तो ये हमारा पीछे के साइड का टक्स हो चुका है। देखिए हमारे ये बैक साइड बन चुके हैं। अभी हमें इसे कटिंग करना है, तो कटिंग हम करते हैं। देखिए हमारे बैक साइड कटिंग होने के बाद हम बैक साइड बाजू में निकालेंगे। उसके बाद में हम कपड़ा इस तरह से घुमा के लेंगे। देखिए हमारा कपड़े की साइज जो होगी, देखिए ये भाग पहले इधर से था लेकिन अभी ये भाग जो आ रहा है ये साइड में आ रहा है। तो हमें इसे देखिए इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम इसके ऊपर इसे रखेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट होगा, हमारा इसके अंदर फ्रंट तैयार हो जाएगा।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मार्किंग कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 1/2 इंच आगे छोड़ते हुए यहाँ पे बैक साइड रखिए, हमें अभी इसे मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ा के लिया है, और ये जो होगा तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे और इसे हम स्ट्रेट कर देते हैं। स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ पे पूरी राउंड में मार्किंग करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी हुक पट्टी लगेगी, इसके लिए हमने ज्यादा रखा है, और ये जो होगा तो हमारा टक्स थोड़ा ज्यादा होने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे रखा है इसे। और ये जो 1/2 इंच का होता है तो हम यहाँ पे एक टक्स देते हैं, इसके लिए इसको रखा है। अभी हम इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारा इस कुछ इस तरह से मार्किंग हो जाएगा। तो अभी देखिए हमें इसे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए हमें आगे का शेप देना है। ये जो सेंटर का भाग होगा वहां से हमें 1/2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद हम अंदर का शेप देंगे। तो ये हमारा आगे का शेप हो जाता है। उसके बाद में हमारा फ्रंट नेक जो होगा वो 7 इंच का है, तो हम यहां से यहां पे 7 इंच पे मार्किंग करते हैं। 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद लगा तो हम इसे चौकन करेंगे। चौकन करने के बाद हम इसे राउंड में गले का आकार देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे राउंड बनाएंगे, तो ये हमारा आगे का गला बन जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी योग पट्टी होगी। देखिए मैंने पहला जो डायग्राम बनाया था उसके ऊपर हमने योग पट्टी नहीं बनाई थी, लेकिन हम इसके अंदर योग पट्टी बनाने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे लाइन कर दिया। उसके बाद में हमें इसे इसके ऊपर हमें 1 इंच के ऊपर मार्किंग करके रखना है। यह हमारा योग पट्टी का शेप होगा। अभी हमें डॉट की लंबाई जो मैंने आपको बताई थी, डॉट की लंबाई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका टक्स परफेक्ट आने के लिए हमें डॉट लंबाई लेना होता है। हमारी डॉट लंबाई 9.5 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें 9.5 के ऊपर मार्किंग कर देना है। देखिए हम यहां से 9.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी सीधी लाइन करेंगे। देखिए इस तरह से सीधी लाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे देखिए हम 4.25 के ऊपर मेजरमेंट डालेंगे। देखिए 4.25 के ऊपर मेजरमेंट डालेंगे। ये मेजरमेंट आप कहां तक डाल सकते हो, देखिए आपको 30 से लेते हुए आप 36 तक 4.25 के ऊपर मेजरमेंट डाल सकते हो। उसके बाद में आप जो मेजरमेंट डालेंगे 36 के आगे का जो मेजरमेंट होगा तो वो हम डालेंगे 4 इंच का। देखिए हमें फिलहाल हमारा मेजरमेंट जो होगा 32 का है, तो हमें यहां पे 4.25 पे मार्किंग करना है। हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे मिलाई, ये हमारी डॉट लंबाई आ चुकी है, और यहां से यहाँ पे हमने इसे मिलाया है। उसके बाद में हम 1/4 इंच यानी 1.5 इंच इस साइड में मार्किंग करेंगे और दूसरे साइड में 1/4 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा टक्स बन जाता है सेंटर का। देखिए हमने इस तरह से मार्किंग की। उसके बाद में हम करेंगे यहां से मार्किंग यहां तक 1.25 इंच के ऊपर। उसके बाद में हम दूसरी तरफ इधर मार्किंग करेंगे और हम करेंगे यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग। देखिए हमने 1.25 इंच ऊपर 1.25 के ऊपर, ये हमारा दोनों मिला के 2.5 इंच है। उसके बाद में ये जो मार्किंग है हमारी 2 इंच के ऊपर है, हम इसे लेके जाएंगे यहाँ पे। ये जो हमारा त्रिकोण आ रहा है वहां पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो होगा ये हमारा 1/2 इंच का मार्किंग होगा इस तरह से। उसके बाद में हमारे दूसरे जो मार्किंग होगी, ये हमने 2 इंच लिया हुआ है, तो यहां से आगे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद ये जो टक्स आ रहा है ये जाएगा हमारे यहाँ पे, और ये भी हमारा 1/2 इंच का टक्स होगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें योग पट्टी का आकार देना है, तो हम थोड़ा 1/2 इंच नीचे लेंगे और फिर इसे मिलाते हुए हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ताकि इसका जो फर्फनेस होगा वो टक्स लगाने के बाद ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने बढ़ा के लिए है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसे कटिंग करते हैं। देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां से कटिंग के लिए। देखिए ये हमारी कटिंग, ये हमने काट दिया, ये हमारा कपड़े को ही लगा के कपड़ा है। उसके बाद में हम काटेंगे गला, ये जो हमारा फ्रंट नेक होगा हमने उसे काट दिया है।
अब हमें अंदर का शेप काटना है। ये हमारा पहले का पीछे का शेप होगा, ये अंदर का शेप होगा। अब हम इसे काटेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी मार्किंग कर देना है दूसरे साइड में। देखिए ये हमारी मार्किंग है, तो हम इसकी मार्किंग करेंगे इस साइड में। ये हमारी साइड में मार्किंग हो जाएगी। हमें इसे सेंटर की मार्किंग करना है, उसके बाद में ये हमारी जो टच होगा उसके मार्किंग करना है, उसके बाद में ये हमारी साइड के मार्किंग करके लेना है हमें। देखिए आपको मार्किंग करके रखते हो आप तो आपको इजी जाता है सिलाते टाइम में। जितना आप मार्किंग करके रखेंगे उतने आप फास्ट सिला सकते हो। अब हमारी मार्किंग इस साइड में हो जाएगी। यह हमारी पूरी मार्किंग बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, स्लीव्स निकालना है। ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा बचा हुआ है। हमारी स्लीव्स लंबाई जो होगी, बाही लंबाई जो होगी हमारी 4 इंच की है। उसके बाद में दंडघेर जो होगा वो हमारा 11 इंच का है, और जो हमारा आर्म राउंड है जो बाही के लिए लगेगा वो 15 इंच का है। तो हम डबल घड़ी लेंगे, यानी ये हमारा पहले से डबल घड़ी है, तो ये हमारी चौबल घड़ी हो जाएगी। इस तरह से चौबल घड़ी होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच के लिए सिलाई रखेंगे। ये हमारा लाइनिंग का ब्लाउज है, तो इसके लिए हमें सिर्फ इसे आधा इंच छोड़ना है। उसके बाद में हमारी लंबाई जो होगी वो 4 इंच पे है, तो हम आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे। उसके बाद में हमारी मुंडा खोली जो होगी वो हम लेंगे 3.5 इंच के ऊपर। तो हमारा ये जो होगा, तो ये हमारा 38 के आगे जब चले जाता है तब हमें यहाँ पे 4 इंच लेना होता है, लेकिन 32 के अंदर जब होता है तो हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। ये जो हमने 3.5 लिया है, 30 के अंदर जब होगा तो हम लेंगे 3 इंच, और उसके आगे जब रहेगा तो हम लेंगे 3.5 इंच। अब हमारी जो आर्म राउंड है, आर्म राउंड जो है हमारा, तो हमारा आर्म राउंड है 15 इंच का, तो हम इसका आधा करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। ये देखिए हमारा 7.5 इंच आधा आ चुका है, लेकिन हमें इसमें से आधा इंच कम करके लेना है। हम लेंगे सिर्फ यहाँ पे 7 इंच, तो हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए हमने जो 3.5 इंच ले आता है वहां पे हम 7 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में आगे हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच रखा है, तो हमें इसे भी 1.5 इंच रखना है। उसके बाद में हमारा दंडघेर जो होगा तो वो है हमारा 11 इंच। देखिए हमारा जो दंडघेर जो बाही की गोलाई है हमारी 11 इंच की है, तो हम उसका आधा करेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे हम 5.5 पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे सिलाई मार्जिन लेंगे, तो हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे देंगे इस तरह से, और ये होगा हमारा पहला सेप। अब हमें दूसरा सेप देना है। हम यहाँ तक स्ट्रेट लाएंगे, हम लाएंगे सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे लाने के बाद हम इसे कम करते चले जाएंगे, तो ये हमारा मुंडा सेप हो जाता है। अब हम इसे काटते हैं। देखिए हमने यहां से लेते हुए सेंटर में लाया है, उसके बाद में कम करते हुए हमने जहां पे सिलाई की मार्किंग होगी वहां पे दोनों को भी मिलाया है। अब हम इसे काटेंगे। काटने के बाद हम इसे सिंगल करेंगे इस तरह से, और ये जो आगे का शेप होगा हम उसे काटेंगे। अब हमें क्या करना है, जो आगे का भाग होता है हम वहां पे कट लगा के लेंगे, ताकि हमें पता चले कि आगे का भाग है, नहीं तो हम यहाँ पे मार्किंग करके भी रख सकते हैं, हमें जल्दी से पता चलेगा कि ये आगे का भाग है करके। अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहां से योग पट्टी गिनना है। देखिए हमारी जो योग पट्टी होती है हमें किस तरह से गिनना है, जो हम इसे योग लगाने वाले हैं वो हम किस तरह से गिनेंगे। ये हमारा पीछे का भाग होगा, देखिए इस तरह से पीछे के भाग के ऊपर हम आगे का भाग रखेंगे, तो ये जो होगा हमारा शेप आता है। उसके बाद में हम गिनेंगे यहाँ पे, यहाँ पे गिनने के बाद हम रखेंगे ऊपर के साइड में आधा इंच ज्यादा, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारी 3.25 की योग पट्टी आ रही, कितनी आ रही, 3.25 इंच पे। और हम यहाँ पे 3.25 लेंगे, तो यहां इधर के साइड में हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे इस साइड में। तो देखिए हम योग पट्टी निकालते हैं, योग लगाना है हमें, उसे निकालेंगे हम।
हम यहाँ पे 4.25 के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3.25 के ऊपर मार्किंग करें। ये जो होगा तो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी 3.25 इंच की। उसके बाद में हमें कुछ इसे 4 इंच के ऊपर, देखिए 4 इंच तक हमें इसे इस तरह से मिला दे जाना है। यह हमारा योग पट्टी का आकार हो जाएगा और ये हमारी कटिंग हो जाती है योग पट्टी की। अब हम इसे काट देंगे। काटने के बाद यह हमारी पूरी कटिंग बन जाती है। अब हमें ब्लाउज के ऊपर काटना है। देखिए हमारे पास इस तरह से कुछ ब्लाउज पीस है, ये हमारा ब्लाउज पीस होगा। अभी हमें डिजाइन करना है, हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइड की जो बॉर्डर होगी, ये देखिए हमें यहाँ पे जो होगी डायमंड वाला जो होगा वह हमारी बाही होगी और जो बिना डायमंड वाली जो होगी हमारी ये कमर का माप होगा। तो कमर के तरफ की जो हमारी बॉर्डर होगी हम इसे काट देते हैं। हम 1/4 इंच रख के इसे काट देंगे, ये हमारी डिजाइन बनने वाली है। देखिए हमने डिजाइन के लिए ये जो बॉर्डर है ये अलग से निकाल के रखी है। उसके बाद में ये हमारा डबल कपड़ा होगा, देखिए ये हमारा डबल कपड़ा है। ये अंदर की साइड हमारी सीधी होगी और ये उल्टी साइड होगी। उसके ऊपर हमने ये बैक साइड रखा है इस तरह से। यह हमारा फ्रंट साइड होगा और उसके बाद में जो निकालेंगे हम बाही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बैक साइड। बैक साइड को हम थोड़ा 1/4 इंच ज्यादा रखते हुए ये दोनों भी इसी तरह से हम भाग काटने वाले हैं। तो हमने ये देखिए ये बैक साइड काटी हुई इस तरह से और उसके बाद में हमने ये जो काटा ये फ्रंट काटा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कपड़ा जो बचा हुआ है उसके अंदर हमें बाही निकालना है। ये हमारी बाही होगी, यहाँ पे हम बाही का माप निकालेंगे। हमें थोड़ा ज्यादा रखे इसे काट देना है। ये हमारी स्लीव्स हो जाती है। तो ये हमारी कटिंग बन जाती है पूरी। उसके बाद में हमें निकालना है योग पट्टी। देखिए हमारी योग पट्टी जो होगी कुछ इस तरह से है। हमें इसे एक साइड में रखते हुए यहाँ पे काट देना है। देखिए हमारी योग पट्टी है, ये हम योग पट्टी इसे काट देते हैं। तो ये हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग।